नदी का नाम है चंबल नदी। यदि भारत की नदी में देखें तो नदियाँ, जैसे भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी बताती है, अलग अलग नदियाँ हैं। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे बड़ी नदियों में एरिया देखें तो अपने कैचमेंट एरिया तो गंगा नदी का आता है। उसी प्रकार राजस्थान में यदि सबसे बड़ी नदी है तो वो कौन सी नदी है? चंबल नदी। राजस्थान लेवल में पहले तो नदियाँ कोई है ही नहीं, सिर्फ राजस्थान में दो ही नदियां बारहमासी है, एक का नाम माही है, एक का नाम चंबल है। माही वो किस भाग में? माही नदी आपके दक्षिणी राजस्थान में और चंबल नदी आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बहती है, लेकिन पूर्ण रूप से राजस्थान में नहीं बहती है। क्यों नहीं बहती? ध्यान दीजिएगा। देखिए अपने उद्गम स्थल की बात कर ले कैसे कैसे। देखिए यहां से एक रिवर जाती है जिसका नाम है यमुना नदी। अपने ये बात करेंगे बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम किस तरीके से। देखो ये नदियां जरूर है बंगाली खाड़ी प्रवाह क्रम की, लेकिन कोई भी नदी, एक भी नदी सीधे जाके बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है। और यहां से नदी आ रही है जिसका नाम है गंगा नदी। अब इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है, तो वो कहां हो रहा है? वो दोनों नदियों का संगम इलाहाबाद में हो रहा है। अपने लिए मेन कौन सी है? यमुना। अपने राजस्थान के लिए सबसे मेन कौन सी है? अपने समस्त बंगाली खाड़ी में जाने वाली नदियों का पानी जाता है चंबल में, चंबल का जाता है यमुना में, यमुना गंगा, गंगा का पानी जाता है बंगाल की खाड़ी में। ऐसे ही पानी जाता है, सीधी कोई नदी बंगाली खाड़ी में नहीं जाती। देखो कैसे, यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं विंध्याचल सीरीज की। एक स्थान जिसका नाम है महू, स्थान जिसका नाम क्या है? महू। महू नामक स्थान, पहले कोई मंदसौर बताता था लेकिन नहीं, इंदौर से निकलती है अभी। महू नामक स्थान से, मैं से महू, मैं से मध्य प्रदेश, आपको जाना जरूरी है वो पहाड़ी जिसका नाम ही क्या है? जाना पाओ की पहाड़ी। जाना पाओ की पहाड़ी से नदी का उद्गम हुआ, नदी का नाम है चंबल नदी। नदी का उद्गम होने के बाद ये नदी इस प्रकार से बहती है 325 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करेगी, अरे राजस्थान में प्रवेश किया, उद्गम हुआ, नाम आया मैं पे, मैं से महू, मैं से मध्य प्रदेश। अब जैसे ही राजस्थान में प्रवेश किया, जिले का नाम है चित्तौड़गढ़, स्थान का नाम है चौरासीगढ़, नदी का नाम है चंबल। प्रवेश करने के 2-4 किलोमीटर आगे बाद में एक जलप्रपात आएगा जिसका नाम भी क्या है? चूलिया सारे चे चे चे। मतलब ये राजस्थान में प्रवेश कर रही है चौरासीगढ़ से, और चौरासीगढ़ कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ में है। और नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। कितना बेजोड़ संगम है ना। एक और देखो, ये चौरासीगढ़ से 4 किलोमीटर आगे है, चौरासीगढ़ से 4 किलोमीटर आगे कौन सा जलप्रपात है? चूलिया। मतलब सारे चे 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 की बात आ रही है। और कोटा में, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा में एंट्री लेगी। कोटा में वही बूंदी के साथ सीमा स्पर्श करती हुई फिर ये समय सवाई माधोपुर में जाती है। सवाई माधोपुर के पास ये यहाँ पर एमपी प्लस राजस्थान के बीच में सीमा बनाती हुई बहेगी, और ये इस प्रकार धौलपुर के बाद एंट्री लेती है कहाँ पर? यूपी में। और यूपी में आगे जाके नदी है जिसका नाम है यमुना, यमुना में जाके मिल जाती है। राजस्थान ही भारत के लेवल पर फेमस है। भारत की सबसे लंबी नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है उसका नाम है चंबल नदी। लंबाई को लेकर अक्सर इसको विवाद मिलता है। आजकल कुछ गाइडें बताइए कि 51-45, नहीं गलत है वो। कैसे लंबाई? 966, बाकी आप जोड़ लेना, बता देता हूँ आपको मैं सारी आंकड़े। देखिए 325 किलोमीटर लंबाई है एमपी में। लंबाई पे बड़ा इसका विवाद है, वो आप गौर से देखना, लंबाई का विवाद सही आ रहा है क्या? देखिए एमपी में लंबाई है 325 किलोमीटर, फिर राजस्थान के 6 जिलों में है, प्रॉपर 3 जिलों में है, चित्तौड़गढ़ 1, कोटा 2 और बूंदी 3। मैं 3 जिलों के नाम लिखता हूँ। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ 1 हुआ, चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा 2 हो गए, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी कितने हो गए? 3 हो गए। इन 3 जिलों में इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए चौरासीगढ़ से लेके, स्थान बता रहा हूँ आपको मैं, चौरासीगढ़ से लेके सवाई माधोपुर में है पालिया, सवाई माधोपुर में है पालिया, उस स्थान की लंबाई 135 किलोमीटर। और उसके बाद में ये नदी बहती है, देखो दो राज्यों के बीच में, एक तरफ है एमपी, एक तरफ है राजस्थान। फिर नया प्रश्न बना,
भारत की सबसे लंबी नदी जो राज्य सीमा बनाती है, दो राज्यों के बीच में बहती है, एमपी राजस्थान के बीच में, तो कौन सी नदी है? संबल नदी है। सबसे पहली बात थी राजस्थान, एमपी में सीमा कितनी है? 325। राजस्थान में कितनी है? 135। अब आपको ये ध्यान देना है कि एमपी और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा कितनी बनाती है, 241 किलोमीटर की सीमा कहां बनाती है? इन दोनों के बीच में बनाती है। और बाकी जो लंबाई इसकी बच गई वो सारी की सारी कहां है? यूपी में। आप इतना जोड़ कर लेना, बाकी लंबाई पे भी इतना मत हमारे ना, नहीं क्वेश्चन आने वाला। आ जाए तो आपके सामने जानापाव की पाड़ी महू से उद्गम हुआ इंदौर मध्य प्रदेश से। यहां एक स्थान है मुरादगंज इटावा में, किस में जाके मिल गई? यमुना में जाके मिल गई। अब देखो दो तीन एक शब्दावली है, बहुत जोरदार क्वेश्चन है, भी ध्यान देना प्रश्नों पे, बड़े कंफ्यूज करते हैं आपको ये आंकड़े से। एक शब्द है अवनालिका अपरदन, क्या मतलब है अवनालिका का? देखिए जल के दो प्रवाह होते हैं, नदी में पानी बह रहा है और एक प्रवाह है नदी का ऊपरी सतह का प्रवाह होता है, एक सतही जल का प्रवाह होता है। ऊपर वाला पानी नीचे पानी वाले से स्लो चलता है और धरातल वाला पानी तेज चलता है। ध्यान देना, कभी अब नहर में खड़ के देख लेना, ठीक है? जैसे नहर में अपने क्या देखते हैं, नीचे वाला पानी तेज चलेगा, ऊपर वाला स्लो चलेगा। अब नीचे वाला पानी तेज है, नदी का जो पेटा है साइड से, ये पक्का थोड़ी है, नहर थोड़ी बनी हुई है, तो कोई केनाल थोड़ी है, नदी है, नेचुरल है, कच्ची होती है। अब नीचे वाला पानी जब कोई मोड़ आ गई, मोड़ वगैरह में मिट्टी काटने शुरू कर देती है ये, तो मिट्टी काटती है सर्वाधिक, इसको क्या बोलते हैं? अवनालिका अपरदन। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? आप क्या बताओगे? चंबल नदी है। कोई समस्या नहीं है। फिर देखना है सवाई माधोपुर, यहाँ है सवाई माधोपुर, यहाँ है करौली, यहाँ है धौलपुर। इसके जल प्रवाह से इसका जो पानी बहेगा, इसके पानी बहने से इसके आसपास छोटे बड़े खड्डे बन जाते हैं, कुछ उचावत सा एरिया है जिन्हें सामान्य भाषा में बीहड़ कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? बीहड़। देखो बीहड़ आज से नहीं है, बहुत पुराना फेमस है ये बीहड़ का नाम। विश्व की ऐसी कुख्यात क्षेत्र है ये, राजस्थान भारत के नहीं है, विश्व की है। डाकू निवास करते हैं स्थानीय लोग, यहाँ पर डाकू बन जाते हैं, ये जो खड्डे हैं छोटे बड़े बने हुए इनमें डाकू निवास करते हैं। भारत में डाकुओं की शरणस्थली किस नदी का क्षेत्र है? चंबल नदी का, यहाँ निवास करते हैं। बीहड़ से अपने बात करते हैं, देखो बीहड़ सर्वाधिक, देखो सैसे सर्वाधिक सैसे सवाई माधोपुर, बीहड़ सर्वाधिक कहाँ है? सवाई माधोपुर में। बीहड़ के आसपास दलदली भूमि होती है जिसे अपने डांग क्षेत्र बोलते हैं। डांग क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? करौली में। डांग की रानी किसको बोलते हैं? डांग की रानी किसको बोलते हैं? करौली को। तो राजा भी होगा, राजा धौलपुर है, रानी करौली, राजा कौन है? धौलपुर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो नदी के बहुत से उपनाम हैं। इस नदी को वैदिक काल में कहा जाता था चरमणवती, इसे कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। कामधेनु देखो एक गाय थी, ऐसी गाय है, देवी देवताओं की गाय है, कब मर्जी आप दूध निकाल लो, हमेशा दूध देती थी वो, निकालने वाला थक जाएगा, ऐसी बात इस नदी में है। दूध नहीं देती नदी है, पानी बहुत है, पानी कभी खत्म नहीं होता है, निकालने वाला खत्म हो रह जाएगा लेकिन पानी इसमें कम नहीं होता। बारहमासी नदी है, इसे कामधेनु बोलते हैं, इसलिए राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? वैदिककालीन नाम क्या है? चरमणवती इसका नाम है। मालव प्रदेश से आती है ये, अंदर से निकल गए तो इसको क्या बोलते हैं? मालव की गंगा भी बोलते हैं। बोल दिया, सदावाहिनी, बारहमासी, कई इसके और भी नाम है, वर्ष भर पानी बहता है, बारहमासी हमेशा पानी बहता है, सदावाहिनी, ये इसके उपनाम कई नाम बन गए, नाम बन गए। अब आगे देखते हैं इसकी और क्या खास बातें हैं। स्टार्टिंग में बताया था तीन नदियां छह छह जिलों में बहती है, ट्रिक का नाम ही चंबल है, चंबल बनास लूणी, या चबलू बोल दो, चबलू, चंबल बनास लूणी, ये तीन नदियां ऐसी है जो छह छह जिलों में बहती है। चलो अभी अपने थोड़ी सी और आगे मैटर को बढ़ाते हैं, क्या इसकी नई बातें हैं। बीएड बता दिया आपको, देखो बीएड से बताया था बीएड सर्वाधिक सवाई माधोपुर में, तो पूछो कि बीड किसे बोलते हैं? सुन्नी बंजर भूमि को सिखावट एरिया में बीड कहते हैं। बीड़ा किसको बोलते हैं? ढूंढाड़ी क्षेत्र में जो सुन्ना एरिया है उसको बीड़ा बोलते हैं। बीड़ी वो आप जानते हो, बीड़ी किसको बोलते हैं? पीने वाली, बहुत नॉलेज है, पीने वाली नहीं, धूम्रपान डंडिका बोल दो, पीने वाली, क्यों ऐसे थोड़ी, क्यों आ थोड़ी पीती है उसको पीने वाली, वो तो बेकार लोग पीते हैं बीड़ी तो। हाँ
देखो बीड़ी को लेकर आप दो तीन बातें ध्यान रखनी है। बीड़ी किस पत्ते से बनती है? बस तेंदू पत्ते से। किस जिले में बीड़ी के सर्वाधिक कारखाने हैं? नहीं, बूंदी का एरिया, बूंदी में सर्वाधिक है। ठीक है, ये ध्यान देना। ओके, अब बताओ, बाकी इंटरेस्ट मत रखा करो बीड़ा बीड़ी पीने वाली, है ना, ऐसे नहीं करना। इस नदी पे चार बांध है, कितने बांध? चार बांध। पहला बांध जिसका नाम है गांधी सागर बांध, 514 मीटर लंबा है और 62 मीटर क्या है, ऊंचा है। राजस्थान में प्रवेश किया 84 गढ़ से, एक जलप्रपात बनाया चूलिया जलप्रपात। रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में एक बांध और बना हुआ है, उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। कितने बांध हो गए? एक नंबर, दो नंबर, सिक्वेंस है दक्षिण से नॉर्थ का, दक्षिण से उत्तर का। इसके बाद में कोटा में प्रवेश किया, कोटा में इस पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है ज्वार सागर बांध। फिर कोटा में एक बांध और बना हुआ है जिसका नाम क्या है? कोटा बैराज। चंबल नदी पे चार बांध बने हुए हैं, पहला बांध गांधी सागर बांध, इन बांधों में सबसे लंबा और सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध, 62 मीटर ऊंचा है, 514 मीटर लंबा है, और ये कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश में, मंदसौर MP में बना हुआ है। चंबल नदी के बांधों में सबसे बड़ा बांध गांधी सागर, गांधी वैसे बड़ा ही है, देख लो आप करेंसी पे आज नंबर ले रखा है ना, गांधी ले बैठे हैं। अच्छा, राजस्थान का मतलब राणा प्रताप है। राजस्थान में चंबल नदी पे सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राजस्थान में सबसे लंबा बांध है वो तो राणा प्रताप, चंबल नदी पे सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है। परमाणु संयंत्र स्थापित है, बिजली बहुत बनती है राणा प्रताप सागर बांध से। कहते हैं कि दुनिया का सबसे सस्ता बांध कौन सा है जिससे बिजली बनती है, तो राणा प्रताप सागर बांध है, बहुत महत्वपूर्ण है, बिजली बहुत बनती है इससे, परमाणु संयंत्र रावत बाटा यहीं पर स्थापित है। जवाहर सागर बांध, लिफ्टें लगाई गई है, ऊपर उठा के बनाया गया है। इन बांधों में एकमात्र पिकअप बांध कौन सा है? पिकअप वो जीप से मतलब नहीं है, पिकअप मतलब पानी को उठा के लिफ्ट लगाई गई है, जवाहर सागर बांध एकमात्र क्या है इसमें लिफ्ट लगी हुई है। अच्छा, कोटा बैराज सर्वाधिक कैचमेंट एरिया, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस बांध का है? कोटा बैराज का। रिपीट करो, सबसे बड़ा बांध राजस्थान में, सबसे बड़ा बांध, अच्छा, सर्वाधिक कैचमेंट एरिया किसका है? कोटा बैराज का। अच्छा, लिफ्ट बांध पिकअप बांध कौन सा है? ज्वार सागर बांध। ये तो इसका क्रम था, दक्षिण से उत्तरा, गांधी राणा ज्वार कोटा, लेकिन ये तो आपको सबको याद है, पहले भी याद था, नॉर्मल एक दो बातें मैंने आपको नहीं बता दी इसकी। अब ये देखना है चारों बांधों में सबसे पहले कौन से बना, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था। देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मैं एक बात, मैं पता क्या करता हूँ, मैं दो बात घुमा देता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि आप में से कई ट्रिक के बड़े प्रेमी हैं, जो आप देख रहे हो वो भी कई ट्रिक के प्रेमी हैं, लेकिन क्या कि मेरे को खुद को ट्रिक पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी कई रिक्वायरमेंट करते हैं, सर आप ट्रिक बताया करो, आप ट्रिक अच्छी लगती है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी ट्रिक बताइए, मैंने ठीक पसंद आया ठीक नहीं, वरना आपने सीधा ये बता दिया है। देखो बताऊंगा मैं सन कि सबसे पहले कौन सा बना, उसके हिसाब से ट्रिक है। मारवाड़ी में बोलते हैं गांधी को राज, राज किंग हो, गांधी को राज, बाकी गांधी का ही राज है। इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा पे आज राज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कर रहे हैं ना, मतलब है नहीं, फिर भी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से राज कर रहे हैं, गांधी को राज। देखें कैसे गांधी को राज, गांधी से याद कर लो गांधी सागर, को से याद कर लो कोटा बैराज। बात रही राज की, राज तो ऐसे है, देखो राज से बना दो राणा प्रताप, और जय बचा जय से बना दो ज्वार सागर बांध। अब आपके मन में एक बात तो क्लियर होगी, पहले ये बना था नंबर दो पे कोटा, नंबर तीन राणा प्रताप, और नंबर चार ज्वार सागर। सन बता देता हूँ, नहीं बोलोगे, गौर से देखना। देखिए चार बांध, चारों का क्रम है, सबसे पहले गांधी सागर बना, फिर कोटा बैराज बना, फिर राणा प्रताप और ज्वाहर सागर। देखिए क्रम 59, 60, 70,